उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार प्रसार व जागरूक करने के लिए 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया, जिसके तहत RTO अनिता सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को गीडा स्थित सेक्टर नंबर 22 में संभागीय परिवहन कार्यालय पर मुख्य अतिथि सैजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया तथा सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहां पर उपस्थित सभी जनमानस को यातायात का शपथ कराया गया, जिसके संबंध में सैजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पूरे एक महीना मनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर लोग सुरक्षित चलें, सभी को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग सुरक्षित रहें तथा सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे। देश की जनता सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं RTO अनिता सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों को जागरूक करना ही लक्ष्य है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि कोहरे को देखते हुए सड़क पर सावधानीपूर्वक अपने वाहन को चलाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और ओवर स्पीड में वाहन बिल्कुल ना चलाएं और जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं सबका पालन करें। सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने जीवन को खतरे में ना डालें और यातायात नियमों का पालन करें। इस अवसर पर पिपरौली के ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव, SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, TSI मनोज कुमार राय, ARTO संजय कुमार झा, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य कुमुद त्रिपाठी सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सैजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, RTO अनिता सिंह एवं SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, निकलकर अपने गंतव्य को प्राप्त करती है। हमारी सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षा के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदीप शुक्ल जी विधायक सैजनवा, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री नरेंद्र शुक्ल जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कृपया हमारे मुख्य अतिथि और माँ सरस्वती के चित्र पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण, माननीय विधायक जी दीप प्रज्वलन कर हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए एक एक व्यक्ति, जब हमारा राष्ट्र प्रगति राष्ट्र की प्रगति, जोरदार तालियां आप सबकी। पांचजनी हमारी भारतीय परंपरा, इसी क्रम में सुरक्षा से जितने भी नियम हैं उसको जन जनता तक पहुंचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं। उस निर्देशों में ये उन्होंने अवगत कराया है कि सड़क सुरक्षा जो है हमारी, वैसे भी सर सड़क सुरक्षा हमारा 5E पे काम करता है। ये 5E वो बिंदु हैं जिसके सारे विभाग उससे जुड़े हुए हैं। पहला ई है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये है कि जब सड़क सुरक्षा के जितने नियम कानून हैं हमारे, उनके बिंदु हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम जनता तक, बच्चों तक और हम अपने विभागों के माध्यम से पहुंचाते हैं। इसमें मेन रोल हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट प्ले करता है और इसमें सब बच्चों की बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। एजुकेशन में हम लोग जगह जगह पे जाके स्कूलों में, महाविद्यालयों में टीचर्स हमारे उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराते हैं। दूसरा ई है एनफोर्समेंट, जिसमें ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग और हमारा परिवहन विभाग शामिल होता है। और इसका ये मतलब है कि जो सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करके सड़कों पे वाहन चलाते हैं उनके लिए इन्फोर्समेंट रखा गया है, ताकि अगर आप नहीं करते हैं तो उस पर चालान और बंद की कार्यवाही करके हम उसका इन्फोर्समेंट से करके आपके सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करवाएं। मंडल अध्यक्ष भाजपा जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन है, सर का भी मैं नमन करती हूँ। SP ट्रैफिक सर जिनके दिशा प्रदेश में रोडों का चौतरफा विकास हो रहा है, चाहे जहां हम बैठे हैं, यहां से नेपाल को जोड़ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ना,
चारों तरफ फोरलेन का निर्माण करना, आज यह कहने में गुरेज नहीं है कि आजादी के बाद से जितना गोरखपुर में इस 5 साल में विकास हुआ है, अगर दोनों को 2 पड़ले पे रखा जाए तो यह 5 साल का विकास ज्यादा है। आज जब हम शहरों में जाते हैं, जब लाइट ट्रैफिक जलती है, तो यह महसूस होता है कि हम लखनऊ या दिल्ली में हैं। वो आज महसूस हो रहा है, जब पूज्य महाराज जी की सरकार आई है तो आज यह महसूस हो रहा है। लोग नियम से चलें, सुरक्षित चलें, जैसे अभियंता मैडम ने बताया है और बाकी एसपी ट्रैफिक मनोज जी ने बताया है, उसको सीख कर, क्योंकि आप सुबह जब घर से निकलते हैं तो देश और दुनिया और समाज के काम करने के लिए, तो बच के निकलिए, क्योंकि अपने आप अपने परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए आप ही दुनिया हैं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें, नियम से चलें। आज हमारे अधिकारी गण, हमारे कर्मचारी गण जो रोडों पे लोगों को देखते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, कि आज जाम ना लगे। आज शहरों में हमें याद है, पहले वही मोहद्दीपुर आते हुए पेडलेगंज घंटों घंटों लोग जाम में फंसते थे, आज बस ट्रैफिक खुलती है 5 मिनट में लोग निकल जाते हैं। सभी लोग नियम से चलें और आज हमारी सरकार विकास के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश के एक एक जनता, एक एक परिवार, एक एक लोगों सुरक्षित रहें, यह भी निर्णय लेकर कि लोगों को बुलाकर, लोगों को समझाकर BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे वो पहनाएंगे, 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगन का पालन करेंगे, तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे, शराब पीकर या नशे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊं। मैं अपना योगदान दे, इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अकाल मृत्यु को कम किया जा सके, इंतों की संभावना को 70% तक घटा सकता है। यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन चालक एवं सवार सीट बेल्ट अवश्य पहने, क्योंकि सीट बेल्ट का प्रयोग टक्कर के प्रभाव को 60% तक घटा सकता है। कृपया नशा करके वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि इससे ध्यान भंग होता है और दुर्घटना की संभावना रहती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा 1 महीने का माह मनाया जा रहा है, जिसमें लोग सुरक्षित चलें, लोगों को बताया जा रहा है हेलमेट लगा के चलें, सुरक्षित लेन में चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, जिससे दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके लिए एक एक जनता महत्वपूर्ण है, वो अपने गंतव्य से अपना कार्य कर कर फिर अपने परिवार में सुरक्षित पहुँचे, उसके लिए पूरी सरकार, पूरे विभाग के लोग कैंप लगा के लोगों को समझाया जा रहा है, सभी विद्यालय में बच्चों को बताया जा रहा है, इस पर पूरी सरकार और पूरे विभाग के लोग तत्पर हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित अपने घर पहुँचे और उत्तर प्रदेश की, देश की एक एक जनता जो है वो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। आज परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जो 5 जनवरी से आरंभ होकर 5 फरवरी तक चलेगा, 4 फरवरी तक चलेगा। ये आज इसका उद्घाटन माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी ने किया। आज इस उद्घाटन समारोह में SP ट्रैफिक श्री कुमार त्रिपाठी, ARTOs, विभिन्न विभागों के स्टेक होल्डर्स, विभागों के अधिकारीगण सब उपस्थित रहे। आज हम लोगों का उद्देश्य ये था कि जनता तक ये संदेश पहुंचाना कि सिर्फ सड़क सुरक्षा माह का जो आयोजन हो रहा है ये सिर्फ उद्घाटन नहीं है, अब हम आप तक पहुंच के इसके नियम कानूनों को आप तक पहुंचाएंगे, जन जागरूकता करेंगे।
अफसोस इस चीज़ का है कि अभी चूंकि इतनी ठंड को देखते हुए सभी विद्यालय और स्कूल सब बंद हैं, इसलिए हम स्कूली बच्चों तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम बच्चों के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के जागरूकता का कार्यक्रम भी करेंगे और विभिन्न विभागों की मदद से भी सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम ये आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे मैम लोग? मैं गोरखपुर की जनता वासियों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगी, आज कोहरे को देखते हुए सड़क पर बहुत सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाएं, अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में रखें। आप जब भी बाहर निकलिए, दो पहिया वाहन चलाइए, चलाते समय आप हेलमेट पहनिए, कभी भी ओवर स्पीडिंग मत करिए, ठंड है इसलिए ड्रंकन ड्राइविंग का भी बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि बाहर दुर्घटना आपका इंतज़ार कर रही है। इसी तरह से जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं आप उसका पालन करेंगे, रेड लाइट जंपिंग का प्रयास ना करें, ओवर एक दूसरे को क्रॉस करने की अपेक्षा ना करें, ये छोटी छोटी सावधानियां जो हैं, और थकान में कभी गाड़ी ना चलाएं, जब भी थकान होती है उसमें गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि जरा सी झपकी आपका दुर्घटना का सबब बन सकती है, और इन्हीं सब बिंदुओं पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सुरक्षित यात्रा आपका आरंभ है। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ लोगों की जीवन रक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद गोरखपुर में विधिवत आरटीओ कार्यालय में माननीय विधायक शैलम्बा श्री प्रदीप शुक्ला जी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें एक माह तक सड़क सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले तिथिवार कार्यक्रम के बारे में विधिवत सभी स्टेक होल्डर्स को जानकारी दी गई और आपस में समन्वय के लिए और बढ़ाया गया। इस पूरे एक माह में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं वो हर घर घर तक पहुंच जाएं, घर घर तक सड़क सुरक्षा अभियान को पहुंचाने की प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो मानव जीवन अमूल्य है उसकी शुरुआत प्रत्येक घर से हो, सब लोग नियमों को जानें और उसको आत्मसात करें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरीके से जब सब नागरिक सड़क सुरक्षा नियमों के लिए मानने लगेंगे तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी। ऐसा हम लोग समन्वय से एक समेकित प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज ये यातायात माह का शुभारंभ किया गया। सर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील है कि गोरखपुर की जनता ने हमारा साथ दिया है, नियमों को माना है, उसी की वजह से यहाँ पे यातायात में परिवर्तन आया है। हम लोग इसको और बेहतर करने के लिए, जीवन रक्षा के लिए सभी से निवेदन है कि स्वयं भी सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने बच्चों के लिए भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। समाज के सभी लोग इसमें भागीदार बनेंगे, तभी हम एक स्वस्थ और सुरक्षित गोरखपुर शहर का निर्माण कर पाएंगे।